कोई भी जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संघ व उसके भाजपा के रिश्ते इसके बिना समाप्त नहीं होता है। तो उसमें गोपालन जी मार्क्सवादी पार्टी के भी थे, सबको लाभ मिला है उसका, सबके लिए काम किया है स्वयंसेवकों ने। और संघ का इस्तेमाल ये शब्द आपने किया है, ये बड़ा कठिन कर्म है, हो नहीं सकता। लेकिन संघ में अगर आप आओगे और ज्यादा संघ के साथ रहोगे तो ये खतरा है कि आप संघ वाले बन जाओगे, ये मैं बताना चाहता हूं। कोई भी जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संघ व उसके भाजपा के रिश्ते इसके बिना समाप्त नहीं होता है। तो और अन्य राजनीतिक दलों और राजनीति के प्रति हमारा दृष्टिकोण ये भी सतत जिज्ञासा का विषय बना रहता है। तो उसी भाव को लेते हुए आज भी कुछ बंधु बहनों के प्रश्न हैं। कार्तिकेय शर्मा जी, नितिन त्यागी जी, पंचानन मिश्र जी, अजय सहरावत जी, अमित कुमार जी, अविनाश चंद्र मनन जी, सुजाता देशमुख जी, साकेत जी, ऋषि अग्रवाल जी, एस के मल्होत्रा जी, विजय त्रिवेदी जी, के पी सिंह जी एवं वी के बहुगुणा जी, आप जानना चाहते हैं कि यदि संघ और राजनीति का संबंध नहीं है तो भाजपा में संगठन मंत्री हमेशा संघ ही क्यों देता है? रामलाल जी सामने ही बैठे हुए हैं। क्या संघ ने दूसरे दलों को या अन्य संगठनों को आज तक कभी समर्थन किया है? क्या संघ का उपयोग लोग राजनीति में आगे बढ़ने के लिए करते हैं? धर्म जाति के आधार पर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर संघ की क्या राय है? राजनीति शमशान, कब्रिस्तान, भगवा आतंकवाद आदि से कब निकलेगी? संघ संगठन मंत्री जो मांगते हैं उनको देता है। अभी तक और किसी ने मांगा नहीं है। मांगेंगे तो हम विचार करेंगे, काम अच्छा है तो जरूर देंगे। क्योंकि हम किसी दल का समर्थन हमने कभी किया नहीं है 93 सालों में। हमने एक नीति का समर्थन जरूर किया है और हमारे नीति के समर्थन करने का लाभ जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है वैसे राजनीतिक दलों को मिल सकता है। जो उसका लाभ ले सकते हैं वो ले जाते हैं, जो नहीं ले सकते वो रह जाते हैं। इमरजेंसी के समय हमारा इमरजेंसी को विरोध था, हमने इमरजेंसी के विरोध की नीति का पुरस्कार किया। जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े वो अनेक दलों के लोग थे, हमने ऐसा विचार नहीं किया कि जनसंघ को इसका लाभ मिले। उसमें बाबू जगजीवन राम भी थे, उसमें एसएम जोशी साहब, नागा गोरे साहब भी थे, उसमें गोपालन जी मार्क्सवादी पार्टी के भी थे, सबको लाभ मिला है उसका, सबके लिए काम किया है स्वयंसेवकों ने। केवल एक चुनाव कभी ऐसा हुआ था, राम मंदिर की नीति का हम समर्थन कर रहे थे और केवल भाजपा ही उसके पक्ष में थी, तब केवल भाजपा को लाभ मिला। वो प्रश्न होते हुए भी जब जब वो उनका अलायंस वगैरह था तो अलायंस में सबको लाभ मिला। तो हम नीति का पुरस्कार करते हैं, दलों का न किया है न करेंगे। हमारे पुरस्कार के कारण अगर लाभ होता है तो कैसे ले जाना ये सोचना उनका काम है, राजनीति वो करते, हम नहीं करते। असंघ का इस्तेमाल ये शब्द आपने किया है, ये बड़ा कठिन कर्म है, हो नहीं सकता। संघ के द्वारा कभी नहीं होगा, क्योंकि आजकल है बहुत लोग आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और कभी कभी अपने एप्लीकेशन में जोड़ते भी है। अब जैसा आपने कहा कि जहां ये एप्लीकेशन जाती है वहां जो संगठन मंत्री बैठे वो सोच गए, तो वो जानते हैं इस फोटो का मतलब क्या होता है। लाभ नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। हमने एक ऐसी कार्य पद्धति बनाई है जिसमें जो आता है वो कैसा भी हो, वो जैसा हमको चाहिए वैसा बनकर निकलेगा।
नहीं तो स्वार्थ वगैरह मन में है तो किनारे हट जाएगा, लेकिन संघ के कार्य में जीवन भर रहने के बाद भी एक थैंक यू भी कोई नहीं कहता। मिलने की बात तो दूर ही रही, सब देना ही देना है। हमारे प्रांत संघ चालक थे महाराष्ट्र के बाबाराव भिड़े, वो स्वयंसेवकों को बताते हैं कि संघ में यादिया करते हैं, यादी यानी लिस्ट, सूची मराठी में, लेकिन या और द्या इसको अलग किया तो इसका मतलब होता है आओ और दो। तो कहे संघ में यादिया का काम है, लेने वेने का काम है नहीं, ऐसा संघ है। फिर भी बहुत विशेष चतुर बुद्धि रखने वाले एक आध दूसरे निकले तो निकले, अब क्या करें। लेकिन संघ में अगर आप आओगे और ज्यादा संघ के साथ रहोगे तो ये खतरा है कि आप संघ वाले बन जाओगे, ये मैं बताना चाहता हूं। और राजनीति लोक कल्याण के लिए चलनी चाहिए, लोक कल्याण का माध्यम सत्ता राजनीति में है, उतनी ही सत्ता की राजनीति चलनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। ये अगर हो गया, जो जयप्रकाश जी की आशा थी, जो गांधी जी की आशा थी, उसके अनुसार अपने देश के राजनीतिक वर्ग के लोग चलने लगे, तो फिर ये पांचवा प्रश्न जो है ये आएगा ही नहीं। स्मशान, कब्रिस्तान, भगवा, आतंकवाद, ये सारी बातें होंगी नहीं। ये सारी बातें तब होती है जब राजनीति केवल सत्ता के लिए चलती है, सत्ता के माध्यम से लोक कल्याण के लिए नहीं चलती है। तो उस प्रकार का प्रशिक्षण वहां होने की आवश्यकता है। जो लोग राजनीति में है वो इसका विचार करें।